हेलो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में ये 3 ट्रीज दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इनमें से कितने डिसिडुअस ट्रीज हैं। जैकफ्रूट मीन्स कटहल। ये ट्री नॉर्थ इंडिया में काफ़ी बड़ी संख्या में पाया जाता है और हमें पता है नॉर्थ इंडिया मेनली यूपी बिहार में डिसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डिसिडुअस फॉरेस्ट में ऐसे ट्रीज आते हैं जो ड्राई सीजन स्टार्ट होने से पहले ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यहाँ पर दिए गए ये सेकेंड एंड थर्ड ट्रीज महुआ एंड ट्रीक डिसिडुअस ट्रीज हैं, जबकि जैकफ्रूट एक एवरग्रीन ट्री है, इसलिए इसे हम कट कर सकते हैं एंड ये दोनों डिसिडुअस ट्रीज हो जाएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ डिसिडुअस ट्रीज पूछा गया है, इसलिए आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आगे इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ज्योग्राफी 11th की NCERT से था और ये इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट नेम से बुक है और इसके अगर चैप्टर नंबर 5 में जाएं, जो कि नेचुरल वेजिटेशन है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट दिया गया है। सेकंड डेसिडुअस फॉरेस्ट में अगर देखें, यहाँ पर यह डेसिडुअस फॉरेस्ट है और इसके एग्जाम्पल्स में महुआ एंड टीक दिया गया है और जैकफ्रूट जो कि एवरग्रीन ट्री है। इन एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जांपल्स में नहीं दिया गया है, क्योंकि ये UPSC के क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, इसलिए हमें इसे इन एग्जांपल्स में ऐड कर लेना होगा। यहाँ पर हमें एक और ट्री नीम का भी ध्यान रखना होगा, जो कि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी पाया जाता है और ये ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में दिया गया है, जबकि नॉर्थ इंडिया में डिसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब थोड़ा नेचुरल वेजिटेशन के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट को वेजिटेशन टाइप एंड क्लाइमेटिक रीजंस के बेस पर इन 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब पहले हम इन फॉरेस्ट को मैप में देख लेते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये वेस्टर्न घाट के वेस्ट स्लोप पर, यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा का एरिया है और ये ईस्टर्न घाट के तमिलनाडु का एरिया। इन सभी रीजन्स में एनुअल रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर्स होती है एंड टेम्परेचर मोर देन 22 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर पाए जाने वाले ट्रीज़ की हाइट 60 मीटर्स के भी अबव होती हैं और एवरग्रीन फॉरेस्ट में लगभग पूरे साल पत्तियाँ गिरा करती हैं और नई पत्तियाँ निकला करती हैं, इसलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट पूरे साल हरे भरे रहते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट के दिए गए ये एग्जांपल्स, क्योंकि ये NCERT में दिए गए हैं, इसलिए UPSC के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए कम से कम ये एग्जांपल्स याद होने चाहिए। ऐसे तो इन एग्जांपल्स के अलावा इंटरनेट या फिर अदर बुक्स में बहुत से एग्जांपल्स दिए गए होंगे, बट एक UPSC एस्पिरेंट को कम से कम NCERT में दिए गए सभी एग्जांपल्स ज़रूर याद होने चाहिए। एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर्स होती है, जबकि डेसिडुअस फॉरेस्ट के लिए लेस देन 200 सेंटीमीटर्स। एंड मोर देन 70 सेंटीमीटर्स। डेसिडुअस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर यह पूरा रीजन डेसिडुअस फॉरेस्ट में आता है। ये रीजन फूटहिल ऑफ हिमालय है। यूपी बिहार वेस्ट बंगाल उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना आ जाएंगे, बट मोटा मोटा नॉर्दर्न इंडियन प्लेन एंड पेनिनसुलर प्लेटू कह सकते हैं। और अब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, अब यहाँ पर रेनफॉल 70 से भी कम होगी।
और यहाँ रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर्स दिया गया है, इसलिए ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के लिए रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। इसके लिए इस मैप में ये टू रीजन दिए गए हैं, यहाँ पर यह हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, राजस्थान एंड गुजरात का रीजन है। और यह महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश का रीजन। नेक्स्ट माउंटेन फॉरेस्ट, ये माउंटेन एरियाज़ के फॉरेस्ट होते हैं। माउंटेन एरियाज में ट्रॉपिकल से लेकर टुंड्रा तक की सभी वेजिटेशंस पाई जाती हैं। माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेनस रीजन पर मोर देन 1000 मीटर्स हाइट पर पाए जाते हैं, और यहाँ की वेजिटेशन ओक, चेस्टनट, चीर पाइन, देवदार, ये हिमालयन रीजन में है। और अगर साउथ के माउंटेन फॉरेस्ट में देखें, यहाँ के टेम्परेट फॉरेस्ट को सोलाज कहा जाता है, जो कि नीलगिरी, जनाई मलाई एंड पलानी हिल्स में हैं। और ये कुछ ट्रीज इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट हैं, जो कि सतपुरा एंड मैकाल रेंजेज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिटोरल एंड स्वैम फॉरेस्ट, ये वेटलैंड एरिया के फॉरेस्ट होते हैं, और वेटलैंड्स में रिजर्वायर्स, लगूनस, लेक्स, डेल्टास, मार्शेस, फ्लड प्लेन्स, रिवर्स, टाइडल क्रीक्स, मड फ्लैट्स, एस्चुरीज के एरियाज आते हैं। यहाँ पर ही डेल्टा एंड लेक के एरिया हैं। इनमें मैंग्रोव फॉरेस्ट भी आते हैं, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, महानदी, गोदावरी, कृष्णा रिवर के डेल्टास, इन एरियाज में मैंग्रोव फॉरेस्ट डेवलप्ड हैं।